रोटरी क्लब शिमला द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के रोटरी टाउन हॉल में नेशनल बिल्डर अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक विभाग की प्रोफेसर अर्पणा नेगी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। वहीं 12 विद्यालयों के शिक्षक और 2 विद्यालयों की छात्राएं मौजूद रही, जिन्हें रोटरी क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष आशीष बुटेल ने बताया कि इस अवार्ड के लिए 12 शिक्षक चयनित किए गए, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए हैं। इसके अलावा 8 ऐसी छात्राएं हैं जिन्हें 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिस पर कुल 40,000 रुपए व्यय किए गए हैं। वहीं क्लब के सचिव विप्लव महाशय ने कहा कि शिक्षक का किसी भी व्यक्ति के जीवन में अहम महत्व होता है। यही कारण है कि रोटरी क्लब द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मेरा नाम कमल पुटेल है और प्रेजेंटली मैं रोटरी क्लब शिमला का प्रधान हूँ। आज 5 सितंबर 2022 को हम यहाँ पर टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे सब जानते हैं कि 5 सितंबर को हमारे भारतवर्ष में टीचर्स डे मनाया जाता है। ये टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर 1962 से मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एमिनेंट फिलोसोफर और प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, और आज इस उपलक्ष्य पर हमने तकरीबन 12 या 13 गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को यहाँ रिकमेंड, जो प्रिंसिपल्स ने जिनको रिकमेंड किया है उनको हमने बुलाया है और उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उनके बारे में उनके बायोडाटा भी मंगवाया गया है, उनका बायोडाटा पढ़ा जाएगा, तत्पश्चात उनको हम सम्मानित करेंगे। ये आज टीचर्स डे है। सबसे पहले मेन मोटिव तो ये है हमारा कि हमने टीचर्स को ऑनर करना है, ग्रेटिट्यूड उनके तरफ में हमारी तरफ से। तो उसके लिए हमने शिमला के स्कूल से नॉमिनेशन मंगाई थी। 15 स्कूल से हमें नॉमिनेशन आई हैं और उन्होंने ही टीचर्स सेलेक्ट करके जो रिस्पेक्टेबल और जो शुड बी अवार्डेड डिजर्विंग टीचर्स हैं उनके हमें नॉमिनेशन आए थे, तो आज हमने उनको यहाँ बुला के सम्मानित करना है। इसके साथ ही हम यहाँ पे इस बार रोटरी एंडाउमेंट फंड, एक हमें डिस्ट्रिक्ट से हमें फंड आता है, वो हम सिलेक्टेड 5 स्टूडेंट गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। देखिए, शिक्षक तो एक तरह से मेरा मानना है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे बड़ा एसेट है आज की डेट में देश के लिए, किसी भी संस्थान के लिए। तो शिक्षक जो हैं उनका इस ह्यूमन रिसोर्स को, ये वाला एसेट तैयार करने में बहुत अहम भूमिका होती है। तो शिक्षक से ज़्यादा महत्वपूर्ण नेशन बिल्डर इसीलिए शिक्षक को कहा जाता है, क्योंकि उनका जो योगदान है देश को बनाने में, देश के युवा को ढालने में, उसका उनके बराबर किसी का योगदान शायद ही किसी का नहीं है।